हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। कल रात में जो ऑन पैसिव 360 हुआ था वो अचानक 12:30 बजे कर दिया गया है, एंड वो यूट्यूब की वजह हो गया ओ कनेक्ट पर। एंड वहाँ पे एस सर आए थे, होस्ट एस सर थे, बहुत कुछ बातें हुआ। वो लगभग 1 बजे के आसपास मीटिंग स्टार्ट हुआ, वो 12:30 बजे ही मीटिंग स्टार्ट हो गए थे। मैं बोला 1 बजे के आसपास एस सर आए, एंड मीटिंग एस सर में बात करना स्टार्ट किया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया। एंड वहाँ पे मोहम्मद कमल सर भी थे, तो वो भी बहुत कुछ बताया। वो लास्ट में बताया, पहले तो मोहम्मद हमारा एस सर ने स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे करके एक एक करके कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते ही गए। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि ऐसा जो भी बोला मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नोट करने की कोशिश की, जो मुझे अच्छा लगा, इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि बहुत कुछ वो बोलते हैं, सब कुछ नोट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ज़्यादा पॉइंट नोट करने की कोशिश की, बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप एक फाउंडर होने का गर्व महसूस करोगे, ये बता सकता हूँ। कुछ अपडेट्स ऑब्वियसली तो सभी अपडेट्स है, आगे पीछे क्या होने वाला है इस वीडियो देखने के बाद, वो कनेक्ट कब तक आएंगे, क्या हो रहा है बैकएंड पे, क्या हो रहा है इन फ्यूचर, क्या होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एंड एक बात, मोहम्मद कमल सर का जो एक अपडेट्स था वो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा मोहम्मद कमल सर ने क्या बोला है। तो चलो वो ट्रैकर पहले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल में जुड़े रहना। तो पहला चीज़ ये है कि वो ट्रैकर लाइव हो चुका है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इट्स रेडी। ये क्या बोल रहे हैं सुनो, वो ट्रैकर इज लाइव, बट ये रेडी था 1.5 साल पहले, ये रेडी हो चुका था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स, उनको याद था, मतलब उनको हमारा टेक टीम को कुछ विश लिस्ट था, मतलब शौक था कि यही अगर फीचर्स होंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो ऐसा ने पूरा छूट दिया और उन्होंने बोला तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम वो ट्रैकर के साथ ही लॉन्च करेंगे, जब लॉन्च करेंगे तो आप बनाते जाओ। तो कंटिन्यूसली वो बनते गए और आज बन के तैयार भी हो गया, एंड उसके साथ वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी हो गया, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, तो कोई फेल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए 7 दिन का ट्रायल दिया गया है वो ट्रैकर का, ठीक है। तो वो ट्रैकर बहुत बढ़िया है, क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला जे हमारा जो प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो वो ट्रैकर है, ठीक है, इसका पैकेज के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो ट्रैकर का 3 डिफरेंट पैकेज होंगे, ठीक है, एंड प्राइस अनबिलीवेबल होंगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना कम प्राइस में कैसे लोग दे सकते हैं। मार्केट में जो एसएन ने बोला 50 के करीब ये ट्रैकिंग वेबसाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी लोग मिला के जो फीचर्स देते हैं, हम अकेला उतना फीचर्स देते हैं, सोचो, ये सभी मार्केट मिला के जितना फीचर्स देते हैं, हम अकेला उतना फीचर्स देते हैं, ऑल फीचर्स कंबाइन एक ही जगह पर। इसके अलावा हम कुछ वाव फीचर्स देते हैं, जो हमारा टीम का स्पेशल फीचर्स है, ऑब्वियसली कंपनी का तो कुछ स्पेशल फीचर्स रहेगा ना, तो वो भी हम देंगे। एंड मार्केट में जो दाम चल रहा है, जो जानते हैं सभी लोग, वो सोच में पड़ जाएंगे कि इतना कम में कैसे दे सकते हैं, वो भी हम देंगे। तो ये होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट उन्होंने किया बोला, एंड हाँ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, तो जब ये बोल रहे थे अचानक ऐसा का दिमाग में कुछ आ गया, एंड बोला जस्ट ए मिनट वेट करो, बोले उन्होंने क्या किया, नोट पेन पे कुछ नोट कर रहे थे। हमने सोचा क्या नोट कर रहे, अपडेट तो बताना पड़ता है, ऐसा नोट देख के बताते हैं नोट क्या कर रहे। फिर उन्होंने बोला कि अचानक मुझे एक क्या आया, वो कनेक्ट का एक फीचर्स याद आया कि हाँ ये ऐड करना पड़ेगा, तो वो नोट कर रहा। तो सोचो वो मीटिंग पे है, वो अपडेट दे रहे, वो सोचते सोचते कुछ दिमाग पे ऐसा कुछ आ गया, वो कनेक्ट मीटिंग करने के टाइम ये फीचर्स होना चाहिए वो कनेक्ट में, तो तुरंत वो नोट कर लिया कि हाँ ये टेक टीम को बताऊंगा, मीटिंग के बाद ये फीचर्स ऐड कर दो। तो सोचो कंटिन्यूसली बैकएंड पे काम चल रहा है, वो काम करते करते भी मतलब अपडेट देने के टाइम भी कुछ सोच रहा है। तो ये एक था। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि उसके बाद, हाँ उन्होंने बताया जो नेगेटिव है उनके लिए एक अच्छा तमाचा दिया है, मतलब बहुत बढ़िया, सुन लो बहुत अच्छा लगेगा जो सभी को, कि बहुत लोग पूछते हैं वेयर इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहाँ है, बहुत लोग पूछते हैं।
तो उन्होंने बोला कि CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर अगर है एंड वो अगर मुझको पूछ रहे हैं कि मार प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। मैं हैरान हो जाऊंगा कि प्रोडक्ट सच में कहाँ है अभी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नहीं पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मान लो कोई इस फील्ड का ही नहीं है, मान लो कोई डॉक्टर है, वो पूछ रहा है प्रोडक्ट किधर गया, ये इतना दिन हो गया नहीं आया, उतना दिन। तो आपका एक्सपर्टाइज डॉक्टर पे है, आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर के चीज़ के ऊपर आपको ज्ञान है, ठीक है। लेकिन आपका इस टेक्निकल चीज़ के ऊपर तो कोई ज्ञान नहीं है कि कंपनी कैसे चलता है, ये एडवांस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए तो आप क्यों पूछ रहे हो? आपका पूछने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे करके बार बार, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे पूछ रहे हो, मतलब इसके पहले कि आप ऐसा कुछ बनाया है, आपके डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बनाया है, आपके साथ टेक्नोलॉजी के काम करने का कोई अनुभव रहा है बैकएंड पे, कि हाँ मुझे पता है कि इतना दिन में बन जाता है, हाँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ऐसा ने बोला आ जाओ मुझको मैसेज करो या कोई किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बना दूंगा CTO और आप काम करो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के नाम पर, हम आपके बात सुन के चलेंगे। तो अगर ऐसा है तो आ जाओ, नहीं है तो चुप बैठो, जो काम करे उनको करने दो। बहुत अच्छा था। इसके बाद उन्होंने बताया, ध्यान से सुनना जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वो कनेक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि साम आयरॉनिक एंड मतलब टेक्निकली कुछ आयरन का काम बाकी है। एंड ऐसर को याद आया, बहुत छोटा सा ऐसर एग्जाम्पल भी दिया कि इतना छोटा काम, छोटा उनको याद आया, तो वो एग्जाम्पल के देखे भी समझा कि ओकरंट का यही था। एंड पेमेंट प्रोसेस विल बी एडिक, थोड़ा और भी अलग सा पेमेंट प्रोसेस उन्होंने ऐड करना चाहते हैं जो विजुअल के बारे में है, तो वो अचानक कुछ दिन पहले ही याद आया एंड वो एक दो दिन में ख़त्म भी हो जाएंगे ये सब काम, तो विद इन कुछ दिन के अंदर ही ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, आफ्टर सैटरडे वो कनेक्ट हम बैकएंड पे देख सकते हैं। अभी ऐसर ये भी बोला, देखो ऐसर इतना ज़्यादा हम लोगों से परेशान है, उनको सब कुछ पता है। उन्होंने क्या बोला, आफ्टर सैटरडे इट विल बी ऑब्वियसली इट विल बी लाइव, मतलब वो कनेक्ट हम देख सकते हैं बैकएंड पे, क्योंकि अभी 21 तारीख कल था और कल हमें 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल गया, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कुछ है बाद में बताऊंगा, लेकिन सोच क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर सैटरडे संडे मॉर्निंग हो गया एंड जैसे आप फिर से बोल रहे हो आपको टाइम देना ही मुश्किल है, ये सब बात बताना ही नहीं चाहिए था। तो आफ्टर सैटरडे कभी भी लाइव हो सकता है, जैसे कि ऐसा ने जून महीने बोला, तो जून महीने ही होंगे, ये कन्फर्म अपडेट है, बस यही जान लो, ठीक है। तो अपडेट क्या है कि सैटरडे के बाद कभी भी लाइव हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि संडे ही हो जाएंगे। और संडे सुबह आके आप बोल रहे हो सर लाइव हो हुआ नहीं, ऐसा नहीं ये बोला, मैं बना के नहीं बोल रहा, ऐसा खुद ये बोला कि संडे सुबह हो गया 7 बज के 10 बजे आप फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो सर संडे हो गया आपने बोला था, अगर नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा ने क्लियर बोल दिया कि इट्स टेक्नोलॉजी, टाइम लगता है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे मेरा मन का या सभी लोगों का अनुसार जो टेक टीम है उसका अनुसार मन में सही नहीं होंगे तब तक हम नहीं लाएंगे। सिंपल चीज़ है वो, जब तक लग सकता है लगने दो, लेकिन हाँ जब तक मेरा मन नहीं चाहेगा, जब तक सब कुछ देख के सही नहीं लगेगा तब तक नहीं लाएंगे। ये था क्लियर कट बात, आप सुन लिए, तो कभी भी आ सकता है, तो धैर्य रखो, ऐसा ने जो बोला ऐसा के ऊपर विश्वास रखो, काम होगा, सब कुछ टाइम पे वक्त पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अपडेट था कि 3 डिफरेंट पैकेज भी यहाँ पर भी होंगे, जो वो कनेक्ट है वहाँ पर भी होंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज टाइप का, कुछ हायर पैकेज भी लोअर पैकेज एंड मंथली बेसिस पर होंगे, ये था एक चीज़। एंड कमीशन के बारे में उन्होंने बोला कि कमीशन विल बी प्रोवाइडेड, दिया कमीशन तो ऑब्वियसली मिलेंगी, लेकिन इट्स बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा ही देंगे मार्केट में, जितना सारा कंपनी है जो जिसका जितना भी कमीशन दे सबसे ज़्यादा हम ही देंगे, ये विश्वास रखो, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने फ्राइडे मिडनाइट के बारे में बताया कि फ्राइडे मिडनाइट यूट्यूब कॉन्टेस्ट खत्म होने जा रहा है, तो जो लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया 10 पॉइंट्स के सैटरडे
ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। और मोहम्मद कमाल वाला पॉइंट तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो मोहम्मद कमाल वाला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 10 नंबर पॉइंट्स ये है कि सैटरडे वी विल हैव बुर्ज खलीफा, देन उसके बाद बुर्ज खलीफा होंगे, उसके बाद ओ कनेक्ट लाइव होंगे एंड शोइंग सम पावर पॉइंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा, उसके बाद कुछ डिफरेंट प्लेस से फिर से लाइव होंगे एंड यू कांट इमेजिन कहाँ से क्या लाइव होने वाला है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ एस सर को पता है, मोहम्मद नजल एंड टीम को पता है एंड मोहम्मद कमल सर को पता है। लाइव और डिफरेंट प्लेसेस हो गया, उसके बाद कुछ लिंक्स सभी बैक ऑफिस में दिया होंगे एंड फिर से कुछ टेक टीम वेक टीम कुछ आएंगे, फिर से कुछ होंगे। तो सैटरडे बहुत कुछ शेड्यूल है, एक करके सब कुछ बैकएंड पे आ जाएंगे लिंक, एक एक करके सब कुछ होंगे कंटिन्यूअसली उन सैटरडे प्रोग्राम्ड है, तो जुड़े रहना हमारे साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, जो एसन ने बताया सभी चीज़ में एक एक करके बता दिया आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो मोहम्मद कमल सर के ऊपर होने वाला है, बहुत कुछ बताया मोहम्मद कमल सर ने, तो कुछ कैलकुलेशन नंबर्स बताया क्या क्या हो रहा है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। थैंक यू।